नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल राज वीडियो बूंदी पर, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि होम थिएटर कैसे बनाया जाता है। आप घर पे भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, और इसके लिए जो कंपोनेंट चाहेंगे वो दिखाने वाला हूं मैं आपको। ये बॉक्स जो मार्केट में कहीं भी अवेलेबल हो सकता है, या फिर खाती के बाद कहीं मिल जाएगा आपको, और इसकी एक कटी हुई बंगड़ी वेस्टेड माल कहीं मिल जाएगा आपको, और इसके लिए एक चाहिए अपन को डायल कंप्लीट, एक 3 एम्पियर का ट्रांसफार्म, 47 की के वॉल्यूम, और ये पगारिया का पैनल, और एक बीटी, और 3116D2। इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं आप, 3116D2 ले सकते हैं, 3111 ले सकते हैं, 2.1 का एम्पलीफायर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं इसके हिसाब से आप। स्पीकर चाहिए, एक स्पीकर कोई सा भी ले सकते हैं आप, टीवी का हो, किसी का भी हो, होम थिएटर का हो, खराब होम थिएटर का हो, कैसा भी हो, चालू होना चाहिए, कुछ भी लगा सकते हैं आप। और एक जाली, जाली भी किसी भी ले सकते हैं, प्लास्टिक की गोल जाली किसी भी ले सकते हैं। और अगर कंपोनेंट आपको लेने हैं तो आप मुझसे भी ले सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल की कोई गारंटी नहीं है। आप अगर ओरिजिनल लेने तो मेरे पास ही मिलेंगे। और किसी भी अगर आप कुछ भी चाहिए, 3 एम्पियर का ट्रांसफार, 5 एम्पियर का, 7 एम्पियर का बीटी वगैरह, वायर पैनल, 3116D2, 2.1 का होम थिएटर का जो किट आता है वो भी मेरे पास मिल जाएगा। ये बॉक्स है कंप्लीट होम थिएटर का अपना, और ये डायल है, इसका नाप पहले इस हिसाब से नाप, मार्केट में कहीं भी अवेलेबल है, इसका नाप लेंगे पहले। यहाँ पर वॉल्यूम लगेगा, यहाँ पर ट्रेबल अपना, यहाँ पर बेस, इस हिसाब से नाप कटेगा चारों तरफ, और बीच में पूरा होल होगा। ये ड्रिल कहीं भी मिल जाएगी आपको, मार्केट में अवेलेबल है ड्रिल भी, इसमें बनवा लगाएंगे एक, और जो नाप लिया था उसके हिसाब से काटेंगे। बोल रहे और की तो ये ड्रिल कहीं भी मिल जाएगी आपको, मार्केट में अवेलेबल है ड्रिल भी, इसमें बनवा लगाएंगे एक, और जो नाप लिया था उसके हिसाब से काटेंगे।
ये टी क्या देख सकते हैं आपको मार्केट में कहीं मिल जाएगी। इसमें देखें इसी नंबर है TPA 31। ये ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हैं। आज में 3116 D2 भी मिल जाएगी, बड़ी इससे बड़ी चाहिए तो आपको मॉसफेट में के लिए काम में आएगी। ये यहाँ पर अपने इसमें 12 वोल्ट दे रखा है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 12 वोल्ट ये वाला। और स्पीकर के आउटपुट प्लस माइनस के यहाँ लगेंगे और ऑडियो इनपुट यहाँ पे दिया जाएगा, देख सकते हैं आप। ग्राउंड है, लेफ्ट और राइट की पिन है। और ये डायोड सप्लाई जो 12 वोल्ट की देंगे, 12 वोल्ट से ऑपरेट होगा ये, इसके लिए डायोड लगाएंगे। एक अपन डायोड लगाना पड़ेगा इसके लिए, जिसमें 12 वोल्ट का तार यहाँ इस जगह से जुड़ेगा, इस जगह यहाँ पे लगाना है 12 वोल्ट का तार। ये 12 वोल्ट के तार लग चुके हैं, ये अपना प्लस और ये अपना माइनस का है। जब ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो ट्रांसफार्मर में लगेंगे प्लस वाला, ये अपना अर्थिंग देख सकते हैं ब्लैक वाला। ये अपने वॉल्यूम के तार हैं, ऑडियो लेफ्ट राइट और बीच वाला अपना अर्थिंग। और ये तार देख सकते हैं आप, ये अपने स्पीकर के तार हैं, दो कंप्लीट हो रहे हैं। इस पर लिखा हुआ रहता है प्लस माइनस, प्लस माइनस में जोड़ना है तार, धारी वाला अपने माइनस का और बिना धारी अपना प्लस का, देख सकते हैं आप। ये तार है भी तार है बिल्कुल स्पीकर का मॉसफेट। ये BTA जो बेस्ट ट्रेबल 47 के वॉल्यूम लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। कनेक्शन इसके एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, इसमें देख सकते हैं आप BTA कनेक्शन। और ये है BT का आउटपुट, देख सकते हैं आप यहाँ पे BT के आउटपुट लगेंगे दोनों, जो वॉल्यूम के तार में लगाने हैं। ये अपने इनपुट हो चुका है वॉल्यूम का और आउटपुट वॉल्यूम पे दो तारों पे लगेंगे, ये देख सकते हैं आप इस जगह, इस जगह ये देख सकते हैं आप। कंप्लीट हो चुका है बनके ये 7805, जिसके ग्राउंड के तार और प्लस 5 वोल्ट का जो कार्ड लगाना है अपन को, 5 वोल्ट में कार्ड के लिए 7805 भी लगाना पड़ेगा आपको। ये अपनी BT जिसके तार में आपको दिखाता हूँ, ये कार्ड, ये स्पीकर के तार अपने कंप्लीट हो चुके हैं, स्पीकर के तार और इसके जो 12 वोल्ट के तार है पहले बता चुका हूँ मैं आपको, प्लस और ये ग्राउंड का है अपना प्लस 12 वोल्ट और ये ग्राउंड। इसके बाद देख सकते हैं आप बेस्ट ट्रेबल का वीडियो आपको मिल ही जाएगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ट्रेबल ये अपना बेस और ये ट्रेबल, ये अपना मेन वॉल्यूम का कनेक्शन देख सकते हैं आप। ये अपना ग्राउंड हो गया फर्स्ट टांग जो है अपनी, ये ऑडियो के तार हो जाएंगे अपने दो लेफ्ट राइट, और ये आउटपुट जो ब्रास टेबल पे लगेगा अपना आउटपुट का तार, ये देख सकते हैं आप जो अपने BT के आउटपुट पे लगा हुआ है जो मैंने आपके पहले बताया था। और आप मेन वॉल्यूम के तार देख सकते हैं ऑडियो के लेफ्ट राइट के, जो अपनी इस प्लेट में लगाने थे आपको, ये देख सकते हैं लेफ्ट ये राइट और बीच में आपको ग्राउंड दिख ही रहा है। और अब आप अपना अगले वीडियो में लगाएं कार्ड की वायरिंग करने वाले हैं अब इसके बाद में। ये देख सकते हैं आप अब कार्ड लगाना है, पगारिया का कार्ड देख सकते हैं आप, पैनल वाला पगारिया का, यह आपको कस लेना है इस पर पैनल पे जो डायल आता है अपना, मार्केट से कहीं भी अवेलेबल हो सकता है आपको, टेप है म्यूजिक प्लेयर की शॉप पर कहीं भी मिल सकता है आपको, देख सकते हैं आप। अब इसके इनपुट जो आप उनको BT पे लगाने हैं, ये BT पे इनपुट लगाना है कार्ड का लेफ्ट राइट स्पीकर का, कनेक्शन देख सकते हैं आप। पाँच वोल्ट का कनेक्शन दिया जा रहा है इसको, जो 7805 से 5 वोल्ट था, और ग्राउंड लगाना है ब्लैक।
देख सकते हैं आप बीटी के इनपुट, एक लेफ्ट एक राइट और बीच में ग्राउंड। कलर से भी आप देख सकते हैं जो अपना ब्लू है बीच वाला ग्राउंड है, लेफ्ट राइट अपना ऑडियो है, सही इनपुट। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो लगातार देखते रहें। एक भी तार अगर उल्टा लगा दिया तो फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये देख सकते हैं आप लाइट वाली केबल, ये लगानी है आपको, इधर पीछे होल करना है एक, इसमें से निकालनी कहीं मिल जाएगी मार्केट में। ये लगी है अपने ट्रांसफार्मर पे, ट्रांसफार्मर देख सकते हैं आप, ट्रांसफार्मर 3 एम्पीयर का कहीं भी मिल जाएगा मार्केट में आपको बना बनाया। कमिट डायोड जो 12 वोल्ट निकालेंगे, ये 12 वोल्ट के तार, ये देख सकते हैं आप लाल अपना प्लस का ग्राउंड का जो अपन को टेप में कनेक्ट करने हैं। और टूटर देख सकते हैं, टूटर का होल करवाना है आपको, एक टूटर का होल करवा सकते हैं। इसमें देखिए एक कंडेंसर लगाना है टूटर पे, डेपी कंपनी का टूटर है। और कंडेंसर देख सकते हैं आप 10 μF का 63 वोल्ट का, ये यहाँ पर आपको कसना है। कंप्लीट ट्रांसफार्मर बन चुका है। ये लाइटिंग आपको डायरेक्ट मार्केट में कोई सी भी लाइटिंग लगा सकते हैं आप, जरूरी नहीं है वाली लगानी है, कोई सी भी लगा सकते हैं आप। और ये अपन को स्पीकर पे कनेक्ट करनी है, डायरेक्ट स्पीकर से जल जाएगी। ये टूटर स्क्रू लगाने हैं आपको चारों। ये अपने स्पीकर के वायर जो स्पीकर में लगाने हैं, ये डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को लाइट देनी है कंप्लीट लीड। ये वाले जो ट्रांसफार्मर में है 220 वोल्ट में लगाने हैं, देख सकते हैं आप कंडेंसर 47 μF 25 वोल्ट। ये सब जो भी खुले सामान है अंदर फिट करने हैं अपन को, ड्रिल मशीन मिल जाएगी आपको कहीं भी, या पेचकस से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप ट्रांसफार्मर। देख सकते हैं आप राज रेडियो का, राजकुमार ब्रांडेड 5000 वाट में PMP वो वाट है 4 ओम्स में। ये LED एलोवेल की जाली
ये अपने पास ही मिल जाएगी आपको। कनेक्शन देख सकते हैं आप एलईडी के जो अपने स्पीकर में लगेंगे, ये दो तार जो स्पीकर में लगाने हैं। और स्पीकर का वायर स्पीकर में कनेक्ट करना ही है, प्लस माइनस के हिसाब से करना है। धारी वाला अपना माइनस का है धारी वाला, और जो बिना धारी वो प्लस का। ये अपने स्पीकर के लाइटिंग के तार और ट्यूटर के तार, कनेक्शन भी यहीं जोड़ना है दोनों तारों को। प्लस माइनस की कोई टेंशन नहीं, कैसे भी लगा सकते हैं आप ट्यूटर के तार को और एलईडी के तार को। ये कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है, अब बस कसने का काम बाकी है इसका। देख सकते हैं आप, लुकिंग देख सकते हैं। राज डीजे साउंड 5000 वाट में फुल वाटर प्रूफ, फुल वाटर प्रूफ आएगा स्पीकर। ये चारों स्क्रू लगाने, ये जाली कस लेंगे आप। स्पीकर कस चुके हैं कंप्लीट, बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको रिव्यू कराने वाला हूँ इसका, देख सकते हैं आप। ब्लूटूथ से चला के चल रहा हूँ, देख सकते हैं आप लाइटिंग। ब्लूटूथ मोड कनेक्टेड, ये NCS नो कॉपी रख। You were pushing me away, should've tried.